स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, ठीक है। हम सबसे पहले सर्वर 2008 में जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट करना है सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के अंदर, तो उसके लिए सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स में जाएंगे। एक ओयू होना चाहिए हमारे पास, मैंने टैग नाम का ओयू बना रखा है, 3 यूजर है, ठीक है। और इसमें मैं पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट की। अब हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे इसके लिए हम ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट खोलते हैं, स्टार्ट रन gcmc.msi, ओके। उससे पहले मैं .msi सॉफ्टवेयर का डिप्लॉयमेंट करा रहा हूँ। जो दो तरीके का सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट होता है, .msi फाइल एक्सटेंशन और .exe में। .exe को हम कन्वर्ट करेंगे स्क्रिप्ट के थ्रू .xampp के अंदर, ठीक है। तो हम एक स्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे नोटपैड में ताकि हम .exe फाइल को भी डिप्लॉय कर सकें नेटवर्क के अंदर, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट के 3 मेथड्स हैं, पब्लिक, असाइन एंड एडवांस, ठीक है। हम रिस्पॉन्स देखेंगे कैसे आ रहा है। उससे पहले जो है हम टैग नाम के ओयू पे एक्सपैंड करते हैं, कैश जीपीओ बना हुआ है ऑलरेडी, एडिट करते हैं। ये हमने पहले फर्स्ट ग्रुप पॉलिसी के पार्ट 1 में बनाया था, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यूजर कॉन्फ़िगरेशन में हमें एक्सपैंड करना है, सेकंड पॉलिसीज को एक्सपैंड करना है, देन आफ्टर सॉफ्टवेयर सेटिंग एक्सपैंड करना है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे जाना है। यहाँ से हम सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, लेकिन हमारा जो डिप्लॉयमेंट है, जो भी सॉफ्टवेयर हमारे पास रखा हुआ है, वो नेटवर्क लोकेशन के अंदर होना चाहिए। तो हमारे पास सी ड्राइव, तो अब यहाँ पर सी ड्राइव में जाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है MSI माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एक्सटेंशन MSI.exe एक्सटेंशन में है, और हमारे पास मैं MSI नाम से एक फोल्डर बना देता हूँ। और एक है हमारे पास ऑफिस का फोल्डर है जो MSI एक्सटेंशन में है। तो इन दोनों फोल्डर को फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर देते हैं ताकि हम ये जो शेयर्ड फोल्डर है जिसको हम यूज कर सकें नेटवर्क के अंदर। शेयरिंग में जाते हैं, नॉट शेयरिंग, शेयर विद फोल्डर, परमिशन, फुल कंट्रोल टू एवरीवन, ओके, क्लोज। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का फोल्डर भी हम शेयर करते हैं जिसके अंदर MSI फाइल है, सेम सेट पे जैसे हमने MSI के फोल्डर को शेयर किया है सेम, और एवरीवन को वही फुल कंट्रोल देंगे, ओके, अब दोनों फोल्डर मेरे शेयर लोकेशन पे आ गए। अब हमें क्या पता होना चाहिए कि सर्वर का IP एड्रेस क्या है, जिसके थ्रू हम ये चेक कर सकें कि नेटवर्क लोकेशन क्या बनती है फोल्डर की। इसके लिए हम IP एड्रेस का स्टेटस देखते हैं, 10.0.0.7 हमारे पास ये IP एड्रेस है। अब इसकी नेटवर्क लोकेशन ओपन कर लेते हैं, 10.0.0.7। इस लोकेशन में ये हमारे पास MSI आ रहा है, ये .exe एक फाइल है, और एक हमारे पास ऑफिस का पैकेज आ रहा है। ये हमारे पास 2 MSI फाइल है, सिर्फ MSI का डिप्लॉयमेंट बता रहा हूँ। ये हमारे पास नेटवर्क लोकेशन हो गई, इसको हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्लोज करते हैं। नाउ वापस आ जाते हैं ग्रुप पॉलिसी, जो कैश GPO मैंने ओपन किया हुआ है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट। राइट क्लिक करते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे, न्यू पैकेज, पैकेज के अंदर हम ये नेटवर्क लोकेशन जो हमने कॉपी करी है वो पेस्ट करते हैं, और 2 MSI फाइल थी दोनों दिखाई दे रही है हमें। सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करते हैं, उसका ये पब्लिक असाइन या एडवांस कौन सा आपको मेथड यूज करना है, तो पब्लिक ही रहने देते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट आ जाएगा। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करने के बाद हम इसको करते हैं क्लोज, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको .exe भी डिप्लॉय करनी है,
और करते हैं डीसी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश कोड। राइट साइड पे जाते हैं जब तक साइट से यूजर लॉग इन करते हैं यूजर 01 लॉग इन हो चुके हैं। अब यहाँ पे रन बॉक्स पे लिखते हैं apple.cpl ताकि हम एड रिमूव प्रोग्राम पे आ जाए और यहाँ सेलेक्ट करते हैं इंस्टॉल ए प्रोग्राम फ्रॉम दी नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पॉइंट आ गया। यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं ये हमारा MSI फाइल एक्सटेंशन। अब .exe को डिप्लॉय करना है क्लाइंट साइड पे आ जाएगा वो अपडेट करने में टाइम लेता है। मैं सिर्फ आपको सर्वर पे बता रहा हूँ कैसे डिप्लॉय करना है। तो यहाँ पर मेथड उसका ये है कि हमने जो MSI सॉफ्टवेयर शेयर किया था ठीक है पहले शेयर्ड लोकेशन हमें ओपन करनी है 10.007 हमारे आईपी है MSI सॉफ्टवेयर लोकेशन कॉपी करनी है हमें। देन यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फाइल बनानी है MSI.var ठीक है। यहाँ पर हमें प्रोग्राम लिखना है सबसे पहले लिखना है एप्लीकेशन ताकि हम .exe को .wrap में कन्वर्ट कर सकें। फिर लिखना है यहाँ पे डिस्प्ले वर्जन रिक्वेस्ट को मैं इन्वर्टेड कॉमा जैसे मैं लिख देता हूँ 5.0 सेटअप कमांड लिखना है नेटवर्क लोकेशन डाल रहा हूँ। देन उसके बाद .exe फाइल को यहाँ पे रीनेम करते हैं ये नाम हमें फाइल नेम वही देना है .exe का जो हमने सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करा है अभी .exe लिखेंगे डिस्प्ले वर्जन लास्ट में आएगा उन्होंने गलत कर दिया पेस्ट करते हैं वर्जन यहाँ पर आएगा 20 नेम माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल लास्ट में हमें क्लोज करना है इसको ई कैपिटल एक्सी एग्जिट के लिए ईएक्सी लिखना है एग्जिट करने के लिए। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ इसी सेम लोकेशन पे इन्वर्टेड कॉमा में MSI1.wrap देता हूँ इसका एक्सटेंशन नेम एंड सेव कर देते हैं एंड क्लोज आउट करते हैं .wrap जो है नोट ड्राइव फाइल डिलीट कर देते हैं। ये हमारी एक फाइल बनती है ज़ैप फाइल इसको आप डिप्लॉय करते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे जाते हैं अगेन ओपन आउट करते हैं टैब GPO एडिट के बाद यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज पे जाना है सॉफ्टवेयर सेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन ये जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉयड है तो अगर डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके ऑल टास्क रिमूव ओके न्यू अब .wrap फाइल डिप्लॉय करनी है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे राइट क्लिक करते हैं न्यू टेस्ट पैकेज इसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे .wrap लोकेशन को करते हैं मेल लोकेशन को कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं लोकेशन
MSC1.draft आ गया, डबल क्लिक करते हैं तो पब्लिक डिप्लॉयमेंट होगा, ओके करेंगे, ठीक है, ये हमारा .draft यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। अब एडवांस का भी बता देता हूँ, एडवांस कैसे डिप्लॉय करना है। नेम नेटवर्क लोकेशन सेव करते हैं, ड्राफ्ट सेलेक्ट करते हैं, एडवांस लेवल पे जाते हैं, सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू कॉन्फिगर द पब्लिश और असाइन ऑप्शन एंड टू अप्लाई मॉडिफिकेशन टू पैकेज। अब मैं मॉडिफिकेशन क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मैं डिप्लॉयमेंट टैब पे गया, यहाँ पे मैं चाहता हूँ ऑटो इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन बाय फाइल एक्सटेंशन एक्टिवेशन, और ये भी डिप्लॉयमेंट टाइप पब्लिक भी होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये डिस्प्ले ना हो आई रिमूव प्रोग्राम कंट्रोल पैनल में, तो ये डिस्प्ले ना हो। एडवांस लेवल पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे 32 bit के प्रोसेसर की मशीन पे भी ये इंस्टॉल हो जाए, तो ये मैं सिलेक्ट करूँगा मेक दिस 32 bit x86 एप्लीकेशन अवेलेबल टू विद 64 मशीन। इग्नोर करना है लैंग्वेज पैकेज, इग्नोर कर सकते हैं। ये करने के बाद ओके किया, ओके यहाँ पे एडवांस लेवल भी इंस्टॉल हो जाएगा। लास्टली हमें क्या करना है, लास्टली यहाँ पे पीसी अपडेट करना है, हमारी पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी, टाइम लेता है ये पॉलिसी अप्लाई करते हैं। सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयमेंट